हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नए वीडियो के हाजिर हो, जो कि मेरे पास एल जी एक सी आर डी टी वी है। तो देख सकते हैं इसमें हमारा कलर का प्रॉब्लम आ रहा है, देख सकते हैं जो सपने से ये अलग तरीके से आ रहा है। और कलर भी देख सकते हैं मुँह में कुछ, चेहरा में कुछ अलग अलग रंग के कलर आ रहा है। ठीक है बस, तो इसका हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मुझे पहले इसका टी वी को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप लोग, तो इसको लिए मैं इसको खोलूँगा। तो ये प्रॉब्लम हमारा बेसबोर्ड में आना चाहिए, जो हमारा सर्किट। तो उसको खोलने के बाद हम लोग देखते हैं इसके सप्लाई में कितना आ रहा है, 180 के सप्लाई में। ठीक है ठीक है, नहीं तो हमारे पिक्सर डिप भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं, खोल लेते हैं। ठीक है बस, तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लिया, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और जिन लोगों ने मेरा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, वो लोग जरूर से फेसबुक फॉलो पेज को भी फॉलो कर ले। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑलरेडी खोल लिया हूँ। तो देख सकते हैं इसका जो बेसबोर्ड है ये है। ठीक है, और हमारा ये है इसका सर्किट। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम पे ही आ जाता हूँ डायरेक्ट। तो मीटर पे हम सेट कर चुका हुए हैं और ग्राउंड यहाँ से हम लगा दिए और मीटर को हमने डीसी सेट पे रख लिया। ठीक है बस, तो हम इसका पहले क्या चेक करेंगे। ठीक है, तो 180 सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, वो सप्लाई हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। तो 180 हमारा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देख सकते हो 120 आ रहा है। मतलब हमारा पहला जो राउंड है हमारा, इसको 180 के जगह मिनिमम हमको 170 वोल्टेज मिलने से ही हमारा ये कलर सही से आएगा। कोई भी सेट में कम में ही आ जाता है, कोई भी सेट में आपका कम सप्लाई में नहीं आएगा। ठीक है, कलर परफेक्ट। तो हमारा यह पर कमती मिल रहा है, तो कमती मिलने के कारण हमारा यह पर जो कैपेसिटर फिल्टर है ये भी खराब हो सकता है, और एसटी से भी कभी कभार खराब हो जाता है। एसटी से अगर सप्लाई कम देता है इस पर, तब भी आपका होता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा 120 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर ये कैपेसिटर को फिल्टर जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी ख़राब होने पर भी हमारा ये सप्लाई नहीं आता। मतलब 120 जो हमारा सप्लाई आ रहा है, वो शायद हमारा डायरेक्टली 120 सप्लाई आ रहा है यहाँ पर, जो हमको 110 वोल्ट की जगह पर देखते हैं हम ऊपर सप्लाई लगा के देखते हैं मीटर को। तो यहाँ से हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए कि ये एक आ गया, ये वाला डायड है, तो हमको ये डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है हेलो फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर जो 120 का बहुत कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये है कैपेसिटर, तो ये हमारा यहाँ पर 180 लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा यह रेजिस्टेंस के थ्रू, यह से डायट के थ्रू हमें यहाँ पर आता है, लगभग आपका 180 वोल्ट सप्लाई आएगा। 220 या 250 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर लगा रहता है मतलब। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं, कैपेसिटर हमारा यहाँ पर लूज कॉन्टेक्ट है और ये कार्बन हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको पहले साफ अप करके इसको अच्छे से लगा देंगे यहाँ पर। अगर एक बार लगा के देखेंगे, अगर हो जाता है तब तो एक बार में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, तो ये था कैपेसिटर जो कि कार्बन हो चुका है ऑलरेडी, पर एक टांग पे हमारा ये प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। ठीक है, तो हमने एक 250 वोल्ट का कैपेसिटर ले लिया हूँ। ठीक है, तो 4.7 mmD का है ये। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे, बड़ा वाला लंबा वाला टांग जो है प्लस है और छोटा वाला टांग है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा हमारा डायोड का जो ऑप्शन है, डायोड का पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो इसको देख लेना है आपका पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव और ग्राउंड हमारा यहाँ से डायरेक्टली आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पर बिठा देते हैं। ठीक है, ठीक है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, मैं इसको लगा लेता। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर चुके हैं। अब हम इसको डायरेक्टली पावर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पावर देने से पहले आप एक काम कर लीजिए, आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर जो बेसबोर्ड है इसको थोड़ा सा ड्राई करा दीजिए। ठीक है, आसपास जितने भी ट्रांजिस्टर है वो सब कुछ जरूर से ड्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत दिन चलने के बाद हमारे यहाँ पर
ड्राई हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसका ध्यान रखिए। अगर आपने ये कैपेसिटर तो लगा दिया आप, ठीक है, आपका टीवी ओके हो जाएगा, लेकिन आपका दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राई सोल्डर रही है उसकी वजह से आपका दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखें, वहाँ पर भी ड्राई मरना है आपको। तो हम इसको पावर दे देते हैं, तो हमें दिया पावर, अब मैं इसको चेक करता हूँ। आप लोगों को पहले एक बार इसका सप्लाई दिखा देता हूँ। आ चुका है दोस्तों, हमारा टीवी भी ओके हो चुका है, आपको दिखाता हूँ सामने पर, ठीक है, स्क्रीन दिखा देता हूँ। हमारा स्क्रीन यहाँ पर आ चुका है, तो हम इसको अभी कुछ दबाते हैं पैनल को, देखेंगे, देख सकते हैं जो कि अभी ये क्लियरिटी आ चुका है, जो लिखा हुआ है इसके साथ में कोई अलग कलर का रंग नहीं आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल सही हो चुका है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है, अगले वीडियो के लिए, ठीक है, ओके, बाय बाय, ठीक है। तो एक बार हम इसका स्क्रीन भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी केबल हम इस पे से यहाँ पे टच कर देता हूँ यहाँ पर वीडियो पे, ठीक है। तो हमारे पास एक रिमोट है, इसके जरिए हम इसको ऑन कराता हूँ इसको, तो हम इस पे अभी डालते हैं कोई भी मैच, हमारा पेन ड्राइव इसमें से निकल गया है, इस बॉक्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है, बॉक्स को भी ओपन कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसके बाद फिट कर लेता हूँ, सबको खोल देता हूँ, ठीक है। स्पीकर को भी लगवा दिए, इसको भी बिठा दिया, इसको निकाल दे दिया, इसको यहाँ पर पोजीशन दे देते हैं, इसको भी थोड़ा घुमा लेता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है इसको हमको लिए थोड़ा सा एसटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लैक स्किन आया हुआ है अभी, मैं जो मेनू दबा के रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एसटी घूम गया है, अभी देख सकते हैं अभी पूरा लगभग आ चुका है पोजीशन में इसका, एसटी को थोड़ा सा हल्का हल्का दबाना है, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल ही आ चुका है, तो हम इसको लगा देते हैं ये भी, तो दे दिया अभी, ठीक है। और मैं इसको कुछ भी लगाता हूँ, तो इसका जो ब्राइटनेस ये ज़्यादा किया हुआ है, इसको हम कम करा देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हो चुका है।